नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 6 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। खादी मॉल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। चाय की प्याली हो या सूट सलवार का कपड़ा, सब कुछ बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा नवनिर्मित खादी मॉल में लोगों को एक छत के नीचे मिलेगी। गांधी मैदान के उद्योग भवन के बगल में 3 तल वाले भवन में निर्मित इस मॉल में खादी के विभिन्न वस्त्रों के अलावा ग्रामोद्योग की काफी वस्तुएं ग्राहकों को मुहैया करवाई जाएंगी। ज्ञात हो, खादी मॉल में भागलपुरी सिल्क सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। इस मॉल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खादी से बने हर तरह के वस्त्रों की बिक्री यहां होगी। जो भी सामान यहां बिकेगा, लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। साथ ही कहा कि जल्द ही हैंडलूम को भी प्रमोट किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने दूसरे एम्स के लिए सरकार से जमीन की मांग की। बिहार में दूसरा एम्स बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध न करवाने पर केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट को एक चिट्ठी सौंपी है, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दूसरे एम्स के लिए खाली जमीन मुहैया करवाने का आदेश दिया है। आपको बता दें, रंजना कुमारी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। अदालत को सौंपे हल्फनामे के अनुसार 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत केंद्र के पैसे से राज्य में दूसरे एम्स के निर्माण की घोषणा की थी। सरकारी कार्यालयों में सीमा से अधिक बिजली के इस्तेमाल का बिल भरेंगे अफसर। सरकारी विभागों में बिजली की बर्बादी को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में खपत होने वाली बिजली का स्पेशल डाटा बनाया जाएगा। औसत से अधिक बिजली खपत करने वाले सरकारी कर्मियों की पहचान कर उनसे बिजली बिल की राशि ली जाएगी। बिजली खपत का डाटा बनाने के लिए सचिवालय से लेकर जिला व प्रखंड कार्यालयों में बिजली मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगाई गई रोक। बिहार में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ की समस्या के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखने लगा है। इसी को लेकर बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पटना में लगातार प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बिहार सरकार ने यह ऐलान किया है कि बिहार में अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाएगा। पटना और दिल्ली के बीच एक और सुविधा स्पेशल ट्रेन का हुआ परिचालन। त्योहारों के बाद लौटने वाले रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने पटना दिल्ली के बीच सुविधा एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। पटना से आनंद विहार के लिए ट्रेन संख्या 82395 पटना आनंद विहार सुविधा स्पेशल ट्रेन 6 से 23 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को पटना जंक्शन से खुलेगी। वहीं आनंद विहार से पटना के लिए ट्रेन संख्या 03296 आनंद विहार पटना स्पेशल 7 से 24 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार व रविवार को एसी स्पेशल के रूप में आनंद विहार से खुलेगी। ईस्ट चंपारण जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। ईस्ट चंपारण जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों का भ्रमण करना ना भूलें। अशोक स्तंभ, अरेराज, सोमेश्वरनाथ मंदिर, गांधी संग्रहालय, केसरिया बौद्ध स्तूप, मोती झील, गायत्री मंदिर और सीताकुंड जरूर घूमने जाएं। पटना से ईस्ट चंपारण जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 3 से 4 घंटे का सफर करना होगा। पटना से ईस्ट चंपारण की दूरी 152 किलोमीटर है। मिसकंडक्ट रोकने के लिए बिहार विश्वविद्यालय ने उठाए ठोस कदम। स्नातक थर्ड पार्ट की परीक्षा के पहले मिसकंडक्ट की मिली शिकायतों को लेकर विश्वविद्यालय ने मंगलवार से होने वाली परीक्षाओं में इसका खास ध्यान रखने की अपील की है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसी भी तरह के मिसकंडक्ट को मानने से इनकार किया है। उन्होंने सिर्फ एक केंद्र बेतिया के RLSY में ऐसी शिकायतें सामने आने की बात स्वीकारी है। बिजली जमा नहीं करने पर अब काटी जाएंगी बिजली। बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के घरों, कार्यालयों, दुकानों की बिजली अब काट दी जाएगी। इस बाबत कंपनी मुख्यालय ने पेसू के इंजीनियरों को राजस्व की भरपाई करने का टास्क दिया है। पेसू क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 5 लाख है, जिनमें से 50% लोगों ने बिजली बिल जमा किया है। वहीं बाकी 50% लोगों ने बिल जमा नहीं किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर डिवीजन और सब डिवीजन के हिसाब से कंज्यूमर आईडी भेजा गया है, ताकि लिस्ट में शामिल उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा सके। 3 जिलों के SP समेत 7 नवनियुक्त IPS अधिकारी जाएंगे ट्रेनिंग पर। 2 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2020 तक बिहार के 7 नवनियुक्त IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग के तौर पर भारतीय पुलिस सेवा इंडक्शन कोर्स में नामांकन करवाया गया है। ज्ञात हो, चयनित सभी अधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चिराग पासवान को सौंपी गई लोजपा की कमान। लोक जनशक्ति पार्टी के नए प्रमुख के नाम की हुई घोषणा। अब लोजपा की कमान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सौंप दी गई है। बता दें, आज दिल्ली में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने इस आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है और अब पार्टी की कमान जमुई सांसद चिराग पासवान के हाथों में होगी। वहीं अब रामविलास पासवान पार्टी के संरक्षक बने रहेंगे।
पटना है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर भाजपा के कई नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा का स्वागत करने पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञात हो जेपी नड्डा के साथ भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव भी पटना पहुंचे थे। बहादुर अफसरों को और जवानों को किया जाएगा सम्मानित। गैलेंट्री पदक से चूके बहादुर पुलिस अफसरों और जवानों को मायूस होने की अब जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस अपने जवानों को लेकर अधिकारियों तक उनकी बहादुरी और निष्ठा के लिए मेडल देकर सम्मानित करेगी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को बेहतर अनुसंधान और साफ सुथरी सेवा के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, बिहार पुलिस की बहादुरी और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले बिहार पुलिस सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक को डीजी डिस्क देने की योजना पर काम कर रही है। पैक्स चुनाव में 5 रंगों के बैलेट पेपर से होगा चुनाव। आगामी पैक्स चुनाव में 5 रंगों के बैलेट पेपर से वोटिंग प्रक्रिया करवाई जाएगी। अध्यक्ष और निदेशक के अनारक्षित पदों के लिए एक एक रंग की बैलेट पेपर होगी। वहीं आरक्षित तीनों कोटों के निदेशक के चुनाव के लिए अलग अलग तीनों रंगों के बैलेट पेपर होंगे। आपको बता दें, राज्य के सभी 8463 पैक्सों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 चरणों में होने वाले इस चुनाव का मतदान 9 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा। बिहार की लगातार तीसरी जीत। ओडिशा के कटक में चल रहे अंडर 23 पुरुष वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मणिपुर को 77 रनों से हराकर लगातार तीसरी बार जीत अपने नाम दर्ज की है। अब बिहार और असम अगला मुकाबला 7 नवंबर को खेलेंगे। आपको बता दें, मणिपुर के खिलाफ खेले गए मैच में टॉस बिहार ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आगे पूरी टीम 29 ओवर में 151 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं मणिपुर की टीम महज 74 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भागलपुर के तारर महाविद्यालय को बनाऊंगा शिक्षा का हब। सदानंद सिंह। कहलगांव विधायक सदानंद सिंह का तारर महाविद्यालय का शिक्षा हब बनाने का बहुत बड़ा सपना है। इस बाबत उन्होंने तारर महाविद्यालय में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से 14,30,900 रुपए में किया गया है। उद्घाटन के पश्चात सदानंद सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानाध्यापक सह शिक्षाविद रुद्र प्रताप सिंह ने तारर के शिक्षण संस्थान में बेहतर शिक्षण व्यवस्था का जो सपना देखा था, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने कही ये बात। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष मंगलवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बापू सभागार में स्वर्गीय नेता कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कैलाशपति मिश्र जी नींव के पत्थर हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ा था। उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा जिले में हर हाल में एम्स अस्पताल बनकर रहेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के खत्म होने के 20 दिन बाद ही परिणामों की हो जाएगी घोषणा। सीबीएसई छात्रों के लिए खुशखबरी। अगले साल होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह में देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत अब परीक्षा समाप्त होने के 20 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि 2019 में 10वीं का 2 मई और 12वीं का 6 मई को रिजल्ट आया था। 2019 में परीक्षा समाप्त होने के 28 दिनों के बाद रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन 2020 में परीक्षा समाप्त होने के 20 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ली जाएगी। पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चिराग ने कहा ये। लोजपा के राष्ट्रीय परिषद की मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद चिराग पासवान को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। लोजपा के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अपने पुत्र चिराग पासवान को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। अध्यक्ष पद का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस 28 नवंबर को पार्टी का रोड मैप सामने रखा जाएगा। ज्ञात हो 19 वर्षों के बाद लोजपा का कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड महागठबंधन में आई फूट। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बने महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी दल लगातार ये दावे कर रहे थे कि सभी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को झारखंड में परास्त करेगी, लेकिन चुनाव से पहले ही झारखंड में महागठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है और सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रवि किशन इन दिनों जुटे हैं अपनी बेटी के फिल्म के प्रमोशन में। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता और भाजपा के सांसद रवि किशन इन दिनों अपनी बेटी की आने वाले फिल्म के प्रमोशन एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। इस बाबत रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया से फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है। आपको बताते हैं, रवि किशन की बड़ी बेटी रेवा किशन कुशल मंगल से बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है। यह फिल्म अगले साल यानी कि जनवरी 2020 में आने वाली है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। संन्यास के 5 महीने बाद बोले युवराज। ऑलराउंडर कहे जाने वाले युवराज सिंह ने आखिरकार संन्यास लेने के 5 महीने बाद कहा कि भारत को किसी बेहतर चयनकर्ता की सख्त जरूरत है। मैं हमेशा से खिलाड़ियों के हितों की रक्षा का समर्थन करता हूं और उनके बारे में सकारात्मक सोच रखता हूं। आपके
असली चरित्र का तभी पता चलता है जब खिलाड़ी का समय साथ नहीं देता और आप खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं। बुरे समय में हर कोई बुरी बात करता है, निश्चित रूप से हमें किसी बेहतर चयनकर्ता की जरूरत है। बिहार के लगभग 13 निगम और बोर्ड कई सालों से नहीं दे रहे अपनी रिपोर्ट। राज्य के लगभग 13 बोर्ड, निगम और आयोग है जिन्होंने पिछले कई सालों से अपना सालाना खर्चों का रिपोर्ट जमा नहीं करवाया है। नियमों के अनुसार सभी आयोग, बोर्ड और निगमों को प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राज्य विधायिका को सौंपना अनिवार्य होता है। ज्ञात हो, बिहार में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। इन्फोसिस दिखा सकता है 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता। लगभग हर आईटी छात्र का सपना होता है कि वो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में एक न एक बार काम करे, लेकिन उन सभी छात्रों के सपने को इन्फोसिस बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी लगभग 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है, जिस कारण इतनी तादाद में लोग बेरोजगारी के रास्ते पर आ सकते हैं। पुराने और छोड़े हुए नेताओं को अपनाने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी अब अपने पुराने बिछड़े नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लाकर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। इसमें कई ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। ज्ञात हो, 2015 में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप कई नेताओं पर लगा था, जिसके बाद यह मामला अनुशासन समिति को भेज दिया गया था, मगर समिति ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।